अफगानिस्तान में 1970 के दशक में 2 लाख हिंदू और सिख रहते थे, जो 2021 आते आते सिमट कर नगण्य हो गए हैं। आज अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू और 650 सिख रहते हैं, यानी 99% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तो अफगानिस्तान में लगभग सभी हिंदू और सिख भारत और दूसरे देशों में जाकर शरण ले चुके हैं, लेकिन जो हिंदू और सिख अफगानिस्तान में बचे हैं वो अफगानिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहे? आखिर वो हिंदू और सिख भेदभाव और अत्याचार सहन क्यों कर रहे हैं? कौन सी मजबूरी उन्हें अफगानिस्तान में रोक रही है? ऐसे ही सवालों की पड़ताल करने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने तमाम खतरों को उठाते हुए कंधार से जलालाबाद तक का सफर तय किया और ये रिपोर्ट भेजी है। जो अफगानिस्तान भारत से प्यार करता है, जो अफगानिस्तान भारत को अपना दोस्त मानता है, उस अफगानिस्तान में सिखों का पवित्र स्थल बंद क्यों है? क्यों जलालाबाद के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर ताला लटका हुआ है? अफगानिस्तान से 99% हिंदू और सिख अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत समेत सारी दुनिया में पलायन कर चुके हैं, लेकिन बाकी बचे सिख और हिंदू किस हाल में हैं? इस बारे में पहली बार आज देश जानने वाला है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिख किस हाल में जी रहे हैं, इससे रूबरू करवाने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी अफगानिस्तान के कंधार से जलालाबाद के लिए रवाना हुए। कंधार से जलालाबाद की दूरी करीब 650 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 14 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद आज तक संवाददाता अशरफ वानी अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर में पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां पहुंचने पर हमें इस बात का एहसास हुआ कि आम अफगान नागरिक भारत से कितना प्यार करता है, इसीलिए जब अशरफ वानी यहां पहुंचे तो यहां रहने वाले लोगों ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। जलालाबाद भले ही पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो, पाकिस्तान का बॉर्डर पास ही में हो, लेकिन भारत को लेकर यहाँ के लोगों में अपनापन है। शायद इसकी एक बड़ी वजह सदियों से रहते आए यहाँ सिख और हिंदू परिवार है, जो अब ना के बराबर बचे हैं। अशरफ वानी ने जब यहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बारे में पूछा तो देखिए कैसे जलालाबाद का रहने वाला ये नागरिक हमारी टीम को खुशी खुशी वहाँ पर ले जाने को तैयार हो गया। लेकिन आज तक संवाददाता अशरफ वानी जब उस गुरुद्वारे के पास में पहुंचे तो हमें हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। दिन के वक्त में भी यहाँ पर हमें ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंद मिला। ये देखिए इसकी सुरक्षा में लगा ये गेट आपको बैंक में लगे लॉकर रूम के गेट की याद दिलाएगा। इस गुरुद्वारे का दूसरा गेट भी देखिए जिस पर ताला लटका हुआ है। ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि माना जाता है कि ये गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने बनाया था। 1519 से 1521 के बीच गुरु नानक देव अफगानिस्तान के जलालाबाद आए थे, जिसके बाद जलालाबाद में गुरुद्वारा बनाया गया। लेकिन फिर भी ये गुरुद्वारा बंद है, जबकि इसके ठीक सामने सिखों की दुकान है। शहर जलालाबाद में है। जलालाबाद पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता है और यहाँ से जो पेशावर का रास्ता जाता है वो काफ़ी नज़दीक है, और जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ तुरखान वो यहाँ से मात्र 1 घंटे का रास्ता है। जलालाबाद में काफ़ी दशकों से जो हैं सिख परिवार रहते थे, और एक ज़माने में इस शहर में कई सैकड़ों परिवार सिखों के थे जो यहाँ पर व्यवसाय के लिए, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब यहाँ पर व्यवसाय के लिए पहुँचे थे। चाहे फिर वो कपड़ों का व्यवसाय हो, फिर चाहे वो दवाइयों का व्यवसाय हो, वो सब व्यवसाय जो हैं वो व्यवसाय करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। अब अगर आज हम देखें तो आज अब हालत इस जगह पर पहुँची है कि ये जो गुरुद्वारा यहाँ का बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु बाबा नानक साहब दरबार जलालाबाद अफगानिस्तान, यहाँ पर भी जो है अब काफी कम समय के लिए ये गुरुद्वारा खुलता है।
अफगानिस्तान में सदियों से सिख और हिंदू ईरानी जड़ी बूटियों के कारोबार से जुड़े रहे हैं। इस गुरुद्वारे के सामने भी इसी व्यवसाय से जुड़ी दुकान है, जिसे चलाने वाले जसवीर ने हमें बताया कि कैसे जलालाबाद में रहने वाले 80 सिख परिवार देखते देखते गिने चुने रह गए। मेरी पैदाइश यहीं पे हुई, इसी अफगानिस्तान में। डर है, डर भी है, इसी अमीर लोग इसी तरह रहते हैं इधर ही, क्या करे, मजबूरी है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर, बस लोग हमारे अपने सब दोस्त है, और लोगों से मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम है, सरदार इधर नहीं रहते हैं, घर मर सब चले गए, इधर कोई भी नहीं है। हम फिक्स पांच फैमिली इधर है, और कोई भी नहीं। इससे पहले हालात जब ठीक थे तब कितनी फैमिली थी इधर? तकरीबन थी 80 के करीब फैमिली थी, उससे पहले ज्यादा थी, अभी कुछ नहीं है, अभी लोग भी नहीं है। हमें बताया गया कि जलालाबाद में तालिबान के लौटने के बाद अधिकतर परिवार इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। शायद इसीलिए हमें यहाँ पर कई सिखों की दुकान बंद मिली, लेकिन जो लोग यहाँ से छोड़कर गए उनकी दुकानों और घरों का क्या हुआ, इसका जवाब हमें तरनजीत सिंह ने दिया। तरनजीत जी, आप कभी इंडिया गए हैं? कभी गए, एक पहले दफे गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्यों हालात बदल गए एकदम, खौफ में सब लोग? पता नहीं, सब जाएंगे तो झगड़े सब चीजें है। हाँ जी, मुश्किल बहुत है। कितने फैमिली चले गए वापस इंडिया? जो बोल गए 40-50 फैमिली बहुत गए, गर्दी से, काम से। यहाँ पर जो उनका बिजनेस वगैरह था, यहाँ प्रॉपर्टी, तो उसका क्या किया? सारा सब ने ले लिया है, सब बेच दिया है, सब मुस्लिम ले लिया, सब बेच दिया है। तालिबान के आने से पहले ही जलालाबाद का एक गुरुद्वारा आतंकवादियों के निशाने पर आ गया। 2018 में इस गुरुद्वारे पर हुए आतंकवादी हमले के बाद यहाँ रहने वाले सिख परिवार हिल गए और उन्होंने जलालाबाद छोड़ने का फैसला कर लिया। 1520 में बना जलालाबाद का ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक है, जहाँ गुरु नानक देव जी भी उस जमाने में आए थे। लेकिन अब जब एक जमाने में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सिख परिवार रहते थे, अब सुकड़कर मात्र 6 या 7 परिवार सिर्फ इस जलालाबाद शहर में रहते हैं। बाकी सभी परिवार खौफ के कारण भारत भाग चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ बेचकर ये परिवार अब जान बचाने की जुस्तजू में है। दरअसल अगर देखें तो 2018 में इसी गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 सिख मारे गए थे। पिछले साल काबुल में भी गुरुद्वारे पर हमला हुआ और उसमें भी करीब 20 जो हैं सिख युवा मारे गए। उसके बाद जितने भी सिख समुदाय के लोग जलालाबाद या काबुल में रहते थे, उनमें से अधिकतर ने यहाँ से पलायन किया और पंजाब में जाने को मजबूर हो गए। 3 साल पहले हुए हमले का ही असर है कि दुनिया के सबसे पुराने गुरुद्वारे को रोज खोलना बंद कर दिया गया है। गुरुद्वारे की देखरेख कौन करता है? गुरुद्वारे की देखरेख जसवीर सिंह है, कलंदर हुआ भी इधर नहीं है, काबुल में है। शनिवार आता है, संडे को। आज ही तो बड़े चौतर रह रहे हैं, जो अफगानिस्तान बड़े ऐसी रह रहे हैं, कदीम तो रह रहे हैं, साढ़े कितने पुश्ती इधर रह रहे हैं, और बाकी जो है बहुत फैमिली है, चले गए सब। चले क्यों गए? एक हालात ठीक नहीं थी, हालात तालिबान तो रकम रकम लोग, हर किस्म लोग हैं ना, उसमें अच्छे लोग भी हैं, खराब भी हैं, बस डर के लोग चले गए। ऐसी 2018 में जलालाबाद में आदेश आया थी, और काबुल दोस्त एक साल पहले काबुल से आया थी, आदेश आया थी, उसके लोग डर के चले गए। यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होता है? हाँ जी, आप सब कुछ होता है सुबह शाम। आजकल हालात ठीक नहीं है, वो मिनट्री बंदे थे हिफाजत कर रहे हैं। जलालाबाद में 7 सिख परिवार बचे हैं, जो निजी कारणों से वहाँ पर फंसे हुए हैं। अधिकतर लोगों के पास भारत आने के पैसे नहीं है, तो बाकी अपने कारोबार को छोड़कर नहीं आना चाहते और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। अशरफ वानी, जलालाबाद, आज तक।